तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आजादी है, उनकी लूट को कोई न जाने जो बीजेपी का साथी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक बात पे जोर दिया, भ्रष्टाचार। लेकिन भ्रष्टाचार भी तो कई प्रकार के होते हैं। वह कौन सी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? जब 2016 में नोटबंदी की गई तो यह कहा गया कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना है और बड़का बड़का पत्ता दे दिए 2000 का नोट। जब भ्रष्टाचार और बढ़ गया तो उसको इन्होंने कम कर दिया, उसको जो है बंद कर दिया 2000 के नोट का। फिर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाना है। अगर विपक्षी नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया तो वो भ्रष्टाचार, और भाजपा के द्वारा किया गया तो वो सदाचार, ये तो नियम नहीं होना चाहिए। पूरे देश में अगर आप भ्रष्टाचार की समस्याओं को देखेंगे तो जो कल तक भ्रष्टाचारी था अगर वह भाजपा में शामिल हो जाए तो उसे क्लीन चिट मिल जाता है। पश्चिम बंगाल का आपने शारदा चिटफंड घोटाला सुना होगा, मुकुल राय उसमें नामजद थे और जैसे ही वो भाजपा में आए उनको क्लीन चिट दे दिया गया, वो बेगुनाह थे, खामखा नाम डाला गया था। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और आपको यकीन दिलाते हैं कि आज से 12-13 साल पहले बहन मायावती जी का शासन काल था उत्तर प्रदेश में, 2007 से 2012 के बीच में, और भ्रष्टाचार के नाम पे ताज कॉरिडोर की फाइल खुलेगी। ये बाहरी तो बाहरी, ये अपनों को भी नहीं बकस रहे हैं। जो इनके मर्जी से चले वो भ्रष्टाचारी नहीं, और किसी ने अगर 3-5 करने की कोशिश की तो उसके विभाग का भ्रष्टाचार निकाल लेते हैं। अब नितिन गडकरी जी से इनकी नहीं बन रही है, और एक चीजें निकल कर आ रही है, खुलकर सामने आ जाएगी कि 18 करोड़ रुपये की लागत से 1 किलोमीटर का रोड बनता है। 6 महीने के बाद जब वो काम पूरा नहीं होता है और प्राइस भी वृद्धि हो जाती है, कहने का मतलब जो भी सामान है उसकी मूल्य वृद्धि होती है, और धीरे धीरे 1 किलोमीटर की लागत बन जाती है 250 करोड़। यानी 18 करोड़ से 36 करोड़ तो आप समझ सकते हैं, 54 करोड़ यानी तिगुना हो गया, तो 54 करोड़, ये 250 करोड़ 1 किलोमीटर के अंदर लागत आ रही है नेशनल हाईवे को बनाने में, ये कुछ समझ में नहीं आ रही है। आज हम अपने दर्शकों से भी कुछ जान लेते हैं। मेरे बहुत सारे दर्शक एससी एसटी ओबीसी से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं, बेरोजगार युवा आते हैं। मैं उन तमाम बेरोजगार युवाओं से जानना चाहता हूं, जब आप ब्लॉक में प्रखंडों में जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तो आपको बिल्कुल फ्री में बिल्कुल डोर स्टेप डिलीवरी मिलती है, जाते ही बनाकर दे देते हैं, या कई चक्कर लगवाए जाते हैं और उसके बाद तंग आके आप कहते हैं यार 100-200 रुपए ले लो, आज की बना के दे दो। ऐसा होता है नॉर्मली, हमने देखा है उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है कि नहीं होता है ये हम नहीं जानते, और उत्तर प्रदेश को आप क्या कहिएगा। कल परसों की घटना है जौनपुर में, एक लड़की चीखती चिल्लाती रही पापा मुझे बचा लो, और 6 दरिंदे उसे नोचते रहे। क्या ये मणिपुर की घटना भाजपा शासित राज्यों में नहीं हो रहा है? कहने का तात्पर्य यह है, सरकार बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, अथवा कोई भी राज्य, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है, हर जगह है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में राशन डीलर को कहते हैं कोटेदार, बिहार में राशन डीलर कहते हैं। क्या साफ सुथरा 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल ईमानदारी से आपको मिलता है? आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। ये भ्रष्टाचार जो है चरम पर है, केवल कांग्रेस के शासन काल के जो नेता हैं, बसपा बहुजन समाज पार्टी के शासन काल की, अथवा समाजवादी पार्टी का जो शासन काल रहा हो, क्या उसी वक्त भ्रष्टाचार होता था? अब भ्रष्टाचार नहीं है। हम आपको बता दें, देश में युवाओं को नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। मैं कुछ बेरोजगार युवाओं से जानना चाहता हूं कि जो आप फॉर्म भरते हैं, आवेदन करते हैं नौकरियों के लिए, 11 लाख बच्चे 100-200 रुपये लगाकर आवेदन कर देते हैं,
और उसमें से 1000 का सिलेक्शन होता है। क्या उन युवाओं को जो बाकी जो आवेदन किए, जिनका आवेदन रिजेक्ट हो गया, जिस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया, उनके पैसे वापस नहीं होने चाहिए? क्या यह संस्थागत भ्रष्टाचार नहीं है, सरकार के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार नहीं है? आप बेरोजगार युवाओं को रोजगार का लॉलीपॉप दिखाकर कि इतनी वैकेंसी है बुला लेते हैं, फॉर्म भरवा लेते हैं और उसके बाद उसकी छटाई कर देते हैं और उससे बात करने को तैयार नहीं होते हैं। एक तो वो उसने पढ़ाई पे पैसे खर्च किया, मां बाप से किसी तरह से पैसे लेकर आया, 100, 200, 400, 1000 तक फॉर्म भरने में लगाया और उसके बाद जो है उसको बंद डिब्बा मिलता है कि नहीं आपका तो जो है आवेदन ही रद्द हो गया। भाई पैसे भी वापस कर दो जब आवेदन रद्द हो गया, लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा बनेगा तो इस देश के बेरोजगार युवा सामने आए और देश के प्रधान से अपने आवेदन पर खर्च किए गए, भाग दौड़ पर खर्च किए गए पैसे की डिमांड करें, सरकार से मांगे कि जो हमने पैसे खर्च किए, जहां हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, जहां हमारा आवेदन देखते ही रद्द कर दिया गया, तो जो आवेदन का शुल्क हमने भरा है वो हमें वापस कर दो, तब जाके हम वोट देंगे। क्योंकि इस देश के आप जागरूक नागरिक हैं, आपको पता नहीं है 2047 में 100 साल हो जाएंगे इस देश के आजादी के, और सरकार ने मूड बना लिया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखित संविधान, जो पूरे पूरे संविधान को बदलने की तैयारी है। तर्क यह दिया जाता है कि अब यह 100 साल पुरानी संविधान हो गई। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।